नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार विकास मित्र भर्ती 2023 के बारे में। दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए सबसे पहले बता दें, जो भी विकास मित्र का सैलरी था पहले 13,700 रुपया सैलरी था, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। और जो भी नए लोग आएंगे उनका भी 25,000 मिलेगा, जो पुराने थे यानी कि 1 अक्टूबर 2023 का सैलरी यानी कि 25,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। और बिहार में एक नया पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पोर्टल के माध्यम से आप देख पाएंगे कि आपके जिले में भर्ती निकली है या नहीं निकली है, निकली हुई तो कितने पदों पर निकली है, कहाँ पे सीट रखा गया, यानी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एक जिले से विकास मित्र के पदों पर बहाली भी निकल कर आ चुकी है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का आपको अपडेट वीडियो मिल सके। अब वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल वीडियो होने वाला है। दोस्तों सारा डिटेल समझने के लिए सबसे पहले इस वाले वेबसाइट पर आना हो, जो कि बिहार का नंबर वन एजुकेशन वेबसाइट है, www.biharhelp.in के वेबसाइट पर चले आएंगे। यहाँ पे आएंगे देखते लेटेस्ट जो हमें आपको ऑप्शन देख लिया जाएगा, बिहार विकास मित्र रिक्वायरमेंट 2023, इस पे आपको क्लिक कर देना। हालांकि डिस्क्रिप्शन हमने इसी वाले पोस्ट का लिंक दे रखा ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। अब यहाँ पे आएंगे तो सारी जानकारी इससे रिलेटेड बताया गया, तो चलिए जो हम आपको बता दें कि कैसे आपको चेक करना है कि आपके जिले में भर्ती आई है या नहीं आई है, और नए पोर्टल के बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से सारा जानकारी इसमें बताया गया, जो भी इसको लेकर योग्यता लगता है यानी 10वीं पास लगता है, 8वीं पास लगता है, 5वीं पास लगता है, यानी जैसे जहाँ पे भर्ती आई उसी आधार पर इसमें योग्यता रखा गया है। अब सैलरी की बात करें तो देख सकते इसको लेकर यानी कि 19 सितंबर 2023 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कैबिनेट में बैठक हुई, जहाँ पे सैलरी बढ़ा दी गई थी। देख सकते अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार महादलित विकास मिशन के माध्यम से सरकार के संचालन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। विकास मित्र को मानदेय यानी 1 सितंबर 2023 से लगकर प्रभाव से यानी 13,700 रुपया था, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया। यानी जो भी अब आपका सैलरी मिलेगा नए लोग को अब 25,000 रुपया मिलेगा, जो भी पुराने लोग भी इसमें कार्य कर रहे हैं पहले से उनका भी 25,000 रुपया मिलेगा 1 अक्टूबर से। ये जानकारी हो गई। अब चलिए आपको अपने जिला का कैसे चेक करना है, तो यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले क्विक लिंक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, क्विक लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से ऑल डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देख लाए थे, ऑल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट लिंक, यहाँ पे क्लिक करके आपको अपने जिले का नाम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये हम आपको बता रहे हैं आपको जिले के कैसे चेक करना है, और उसके बाद हम बताएंगे कि इसको लेकर जो भी नया पोर्टल बनाएगा उसके माध्यम से आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको अपने जिले के माध्यम से चेक करिएगा ताकि उससे भी आप चेक कर पाएंगे। तो आपको देख सकते ऑल डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखलाई दे, ऑल डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट लिंक का ऑप्शन दिखा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिले के यहाँ से नाम देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे फोटो भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे देख सकते हैं अररिया, अरवल, औरंगाबाद। आप इस तरीके से आप अपना देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको अपना जिला है आप अपने जिले के हिसाब से यहाँ से देख रहे। जैसे मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं, अब अपने जिले के NIC पोर्टल पर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जिले के जो भी NIC पोर्टल है आप उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आने के बाद नोटिस का ऑप्शन देख लाई दे रहा है, कभी कभी नोटिस या मोर का ऑप्शन भी देख रहा है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत से ऐसे जिला है, और नहीं तो यहाँ सामने भी आपको देखने को नोटिस रिक्वायरमेंट का ऑप्शन जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके जिले में यानी कि विकास मित्र के बहाली निकली होगी तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ से लेटेस्ट आपको स्टार्ट डेट एंड देख लीजिएगा, और भी डिटेल देखना है अचीव का ऑप्शन देख लिया तो नीचे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके नोटिफिकेशन होंगे आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। यहीं पर भी आप देख सकते हैं यहाँ से आपके जिले में भर्ती आई है नहीं आई है। उसके बाद आपको देखना है कि पोर्टल के माध्यम से जो बिहार सरकार द्वारा पोर्टल बनाए उस माध्यम से देखना चाहते हैं, तो जैसे नीचे की ओर आएंगे जैसे तो उसी वाले वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो इम्पोर्टेंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ पर देख लाइए देख सकते डायरेक्ट लिंक टू यहाँ से विकास मित्र ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन देख लाइए इस पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ से देख लाइए इस पर क्लिक करेंगे जो भी इसको लेकर पोर्टल बनाया गया आपके उस पोर्टल पर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा इंतजार कर लीजिए क्योंकि पोर्टल थोड़ा नया नया है, काम थोड़ा स्लो कर रहा है। यहाँ पाएंगे देख सकते बताएगा बिहार महादलित विकास मिशन यानी कि ऑफिशियल पोर्टल है जो कि यहाँ से बताया गया। तो देख सकते सबसे पहले हम आपको जानकारी के लिए बता दें पोर्टल अभी नया है जो कि वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन में है, यानी कि अभी वेबसाइट पर काम हो रहा है, जो भी नए नए काम है आपको इस पर अपलोड किया जा रहा है। बस कुछ ही दिनों के बाद इस पर सारा डिटेल्स आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से देख सकते कोई सा भी इस पर क्लिक करें तो कुछ भी काम नहीं करें, बल्कि वेबसाइट उसी लिए बनाया गया जैसे बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत इस पर ही टोला जो भी है यानी विकास मित्र के जो भी अपडेट है आपको यहाँ से भी देख सकते हैं, ना कि आपको अगर NIC पोर्टल के माध्यम से देखना चाहते तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। चलिए एक जिले का नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है विकास मित्र के पद पे उसके बारे में हम बता देते हैं। अगर आप उस जिले से आते हैं तो आप अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आएगा और डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन देख लेते हैं, इस पर आपको क्लिक करेंगे
तो आप एक जिले का नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया है विकास मित्र के पौधों पे, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम आपको बारी बारी से बतला देते हैं कि कौन से जिले से ये नोटिफिकेशन आया है और कब तक ये इसको लेकर बहाली होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो उदा किशनगंज, यानी कि जो कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी उदा किशनगंज, जो कि मधेपुरा जिले से अपडेट निकल कर आ रहा है। तो इसमें बताया गया, देख सकते हैं, रिक्त पदों के विरुद्ध नियोजन हेतु संबंधित पंचायत के महादलित बहुलता प्राप्त मुसर और महिला जाति के अभ्यर्थी को सूचना प्रकाशन के तिथि के दिनांक 27/2023 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी बाहिरगंज के कार्यालय में कार्यालय अवधिन के आवेदन विहित प्रपत्र किया जाए। प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मेधा सूची तैयार करी हूँ। मेधा सूची का प्रकाशन 30/10/2023 तक प्रकाशित मेगा सूची पर दावा आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 2/11/2023 तक प्राप्त करें। यानी कि जो बात करें मधेपुरा जिले से, अब मतलब ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, यहाँ पे पहले से जो भी विकास मित्र के पद पर कार्य कर रहे थे वो उनका किसी कारणवश डेथ हो गया, उसी के पद पर बहाली निकाली गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें सारा डिटेल्स बताया गया, प्रखंड बिहारीगंज और इसमें पंचायत राजगंज और रिक्त पदों की संख्या 1 है, जो कि बहुलता दिया गया है किस जाति का, तो बहुलता वाली महादलित जाति का, जो कि मुसर जाति का है, जो कि आरक्षित महिला जाति का है, ठीक है। इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से आते हैं पंचायत से आते हैं तो आपका यहाँ से आवेदन कर सकते हैं महिला जाति से। इसमें आयु सीमा की बात कर दिया गया है, यानी कि 1/1/2023 को न्यूनतम वर्ष आपका 18 वर्ष होना चाहिए, यानी 1/1/2023 को। इस सारे डिटेल्स बता दिया गया, तो आप यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।